अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरनरी प्लैनेट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जब जानवरों को बहुत ज़्यादा घी दे दिया जाता है तो क्या होता है। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वेटरनरी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि उनको आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के बारे में मालूमात मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम एक पेशेंट के पास मौजूद हैं। ये देखें, ये बफलो जो है खड़ी है, इसको इन्होंने घी जो है बहुत मकदार में पिला दिया है। तकरीबन 2 to 3 केजीज जो है ना, इन्होंने वो इसको घी पिलाया है इकट्ठा, ताकि मकसद इनका ये था कि दूध अच्छा देगी, मैला अच्छा मारेगी। लेकिन बजाय ये करने के, ये देखें, इसने होंकना शुरू कर दिया गर्मी की वजह से, और इसका स्टमक डिस्टर्ब हो गया, लीवर इसका ओवरलोड हो गया। ये भी आई है ताज़ा, इसने बच्चा दिया, वो देखें खड़ा हुआ है। तो आज हम इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के मकसद से आए हैं, और अभी हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर जो उम्मीद है कि नॉर्मल होगा, और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो अभी इसको नुक्ता लगा रहे हैं, रस्सा लगा रहे हैं इसको बांधने के लिए। जैसे ये बांधते हैं तो फिर इसका टेम्परेचर चेक करके आपको दिखाते हैं। इसके पिछले पैर बांध, रस्सा ले आ, जल्दी जागने खड़ी को नहीं हो गया, नीचे पड़ा ले जल्दी छोटा रस्सा। हाँ, ये थर्मामीटर इसका हमने लगा दिया, इसको बुखार चेक करते हैं। क्या उम्मीद तो है कि इसको बुखार नहीं है, इसको मेटाबॉलिज्म का मसला, लेकिन फिर जो अपने तसल्ली के लिए बुखार चेक करेंगे लाजमी। इसको माइनर सा जो है बुखार है, तकरीबन 103 देखें, ठीक है। तो ये जैसा मौसम है, इस मौसम में ये बुखार में नहीं आता। ये थोड़ा बहुत जानवर का टेम्परेचर सर्दियों में थोड़ा सा कम और गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मसला इसका वही है, हीट हो गई है अंदर से। भोजन दे खड़ी, ऊपर से छोड़ दे, बेजार ना हो। ये हमारे पास मौजूद है नॉर्मल सलाइन, देखें ये नॉर्मल सलाइन हमारे पास मौजूद है, सोडियम क्लोराइड, ये आईवी सेट। और इसमें डालने के लिए जो हमारे पास मौजूद है इंजेक्शन हेपागार्ड, मौजूद है ये हमारे पास, एट्रोपिन मौजूद है, ये भी कम्प्लेक्स, ठीक है। साथ में हम इसको देंगे एंटिल, और हम इसको देंगे साथ, ये हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी दिखाते हैं आपको ड्रिप लगा।
लग रहा है सर। ये इंजेक्शन इधर डाल चुके हैं। तो ये इंजेक्शन इसमें डाल चुके हैं और इसको जो हेपा गार्ड है जो इसका जो फॉर्मुलेशन है फिनोक्सी टू मिथाइल टू प्रोपियोनिक एसिड, तो ये हम इसको मस्कुलर बनाएंगे इससे ड्रिप के लगने के बाद। तो ये देखें इसका फार्मूला और इसका जो देने का मकसद है, देखें जिगर मैदा पित्त और लबलबा के अफाल की दुरुस्ती के लिए, कब्ज भूख में कमी बदहजमी अफारा टिम्पनी ब्लॉट किटोसिस वायरस और दीगर जरासीमों की वजह से जिगर पे होने वाले मुजर असरात को ज़ाहिल करता है ये। तो ये इसका फार्मूला है फिनोक्सी टू मिथाइल टू प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। ये देखें जी किटोसिस हिपाटिक फेलियर इंडाइजेशन एलिमेंट्री टॉक्सिकोसिस, ठीक है जी। ये सारे इसके जो हैं अलामतें हैं। ये 10 ml/100 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगता है, यानी कि 1 ml/10 kg बॉडी वेट के हिसाब से। ये भी हमने इसको मस्कुलर लगाना है बाद में। एंटीबायोटिक हमने इसको कोई नहीं देना, ठीक है, एंटीबायोटिक इसको ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो है हम भूख के लिए बदहजमी के लिए जो है इसको जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम देंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। इसको हम देंगे मैक्सरफास और साथ हम इसको देंगे हाजम पाउडर, जानवर के निज़ामी निज़ाम को दुरुस्त करता है। तो ये इसका फार्मूला है, ये आप और से देख लें ताकि आपके फिर भी काम आ जाए। सौंफ, अजवाइन, सफ़ेद नमक, नमकसिया, रेवड़ चीनी, तुमा और मीठा सोडा, ये इसका 50 ग्राम इसकी खुराक है। और ये इसकी जो है हिदायत लिखी हुई है, मैग्नीशियम सल्फेट है 300 ग्राम। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और उनकी 5 खुराक करके जो है इसको इस्तेमाल कराएँगे। ये हम आज आपको मुकम्मल वीडियो दिखाई है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप लोगों को तमाम नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज़।